हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखें गाइस, अगर आपको गूगल क्रोम के अंदर ये एरर देखने को मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है एरर पेज नॉट फाउंड, दी रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, तो देखें ये एरर क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखें गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये एरर आप लोगों को क्यों देखने को मिल रहा है। अब देखें, इसलिए क्योंकि गाइस जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, हो सकता है उसका जो डोमेन है वो एक्सपायर हो, तब भी आपको ये एरर दिखाई दे सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, हो सकता है उस लिंक के अंदर कोई इश्यू हो, इसलिए आप लोगों को जो है ये एरर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो कुछ हैं सेटिंग्स, थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हो सकता है आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों ने बैक आना है और जाना है गूगल क्रोम के अंदर जाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने आना है सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है प्राइवेसी एंड, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। उसके बाद क्लियर डेटा के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको जो है क्लियर कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद हो सकता है आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती, बार बार यही एरर आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।